नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत। में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में बाधा डालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई है। आयोग ने उनके बयानों को चुनाव संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आक्रामकता करार दिया है। आयोग ने कहा कि मतदान से जुड़ा डेटा जारी करने के संबंध में आरोप निराधार हैं, इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भ्रम पैदा होता है। आयोग ने कहा कि ऐसे बयानों से चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राज्यों में बड़ी चुनाव मशीनरी है, इससे हतोत्साहित भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार स्वीकार कर ली है और इसलिए वे भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना, तो कोई कहता है कि भारत को इससे क्या लाभ। और क्या कुछ कहा, देखिए। मच्छर भी समाप्त और अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है, जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्म भूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा भाजपा और उनके नेता कहते हैं कि भाजपा ने 10 साल में इतना काम किया है जितना कांग्रेस 70 साल में भी नहीं कर पाई, तो वे अपना काम गिनाएं। अगर उन्होंने इतना काम किया है तो देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है। और क्या कुछ कहा, देखिए। आपसे खड़ा कर रही है बीजेपी भी, अब हम अपने इमेजिनेशन का हमारा मैनिफेस्टो गिना रही है, भैंसों की बात कर रही है, ये वो जो हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं गिनाती। बीजेपी जो बीजेपी ने किया है 10 सालों में, इतना सारा काम किया है, इनके नेता हर जगह कहते हैं कि इतना काम हुआ है कि 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ और कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं कहा, तो गिनाएं ना कि क्या काम किया है। बताएं क्या काम किया है, कितने रोजगार दिलवाए हैं। 70 करोड़ बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं देश में, 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है देश में, अगर इतना काम किया है उन्होंने। बताएं हमारे मैनिफेस्टो पे क्यों अटके हुए हैं। अपना भी कोई मैनिफेस्टो होगा, अपना भी अपनी भी कोई योजना होगी कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम किसानों की क्या मदद करेंगे, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। उनकी सनक है कांग्रेस पार्टी, मोदी जी की भी यही बातें करते रहते हैं और हमेशा ध्यान भटकाने की बात करते हैं। जो ठोस बात है देश के लिए, देश की जनता के लिए, आज तक नहीं की है और वो जानते हैं, इनके सारे नेता जानते हैं। अगर ठोस बात पे उतर गया चुनाव, अगर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की जो मुसीबतें हैं, मजदूरों की मुसीबतें हैं, इस पे उतर गया चुनाव, तो किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, क्योंकि कुछ किया नहीं है उन्होंने। करें वोट जिहाद, वोट विकास, स्मृति ईरानी कह रही है कांग्रेस की लेगेसी ये रही है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो गई, उसके साथ साथ संविधान बदलने की बात किसने की, किसके प्रत्याशियों ने की, किसके मंत्रियों ने की, कौन से मंत्री के साथ मोदी जी रोड शो कर रहे थे जिसने कहा कि हमें 400 सीट दोगे तो हम संविधान बदलेंगे, किसने कहा ये, क्यों बदलना चाहते हैं संविधान। संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है, आंदोलन का अधिकार देता है, इसलिए बदलना चाह रहे हैं क्योंकि जनता को कमजोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा प्रयास 10 सालों से ये रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करेंगे ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। क्योंकि क्या जो परिस्थितियां बन रही हैं इस देश में, जनता समझ रही है, जनता जानकार है, जागरूक बन रही है, जनता समझ रही है कि अगर इस तरह से चलता जाए तो लोग। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, मणिशंकर अय्यर उस भारत को डराना चाहते हैं जिस भारत का नेतृत्व एक निडर और निर्भीक नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
अब भारत दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। मैं मणिशंकर अय्यर को सलाह देता हूं कि यह बात राहुल गांधी को समझाएं, हो सकता है उन पर कोई असर हो जाए। लेकिन जिस भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, वह पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान के बाप से भी नहीं डरता। बहुत भद्दा बयान है, बेहुदा बयान है, गंदा बयान है, गंदी बात। जिस राम का नाम लेने से जिभ्या पवित्र हो जाती है, जिस राम के नाम से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, जिस राम के नाम लेने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, उस राम का मंदिर अशुद्ध है। कांग्रेस कहना क्या चाहती है कि राम मंदिर अशुद्ध है, मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे आप कराएंगे। पहले आप अपने दिमाग को शुद्ध करिए, अपने दिमागों में जो गंदगी भरी है, जो नफरत है राम के प्रति, उसको बाहर निकालिए। राम का नाम सुनना नहीं चाहते आप, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं आप, राम मंदिर के निर्माण को बनने से रोकने के लिए 50 सालों तक आपने रोड़े अटकाए। जो राम मंदिर जाता है उसे पार्टी से निकलवा देते हैं आप। अगर शुद्धिकरण करना है तो अपने दिमाग का करिए, अपनी पार्टी का करिए, इस कांग्रेस का करिए जिसमें राम विरोधी तमाम एक गैंग बन गया है, इनका शुद्धिकरण करिए। ऐसे बयान देकर के क्यों कांग्रेस पार्टी का राम नाम सत्य करना चाहते हो? बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की लव स्टोरी 4 जून को खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की निर्माता है, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान से इतना प्यार है और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान भी बदले में उन्हें प्यार देता है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी के बयानों को देख रही है और 4 जून को पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी की यह लव स्टोरी खत्म हो जाएगी। पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है, ये शायद मणिशंकर अय्यर ने भूल गए हैं। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की ये जो लव स्टोरी है, ये 4 जून को कंप्लीट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इज द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार है और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी को प्यार रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। भारत के विभाजन के संदर्भ के डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं, एक बात स्पष्ट हो जाता है कि सरदार पटेल जी से लेकर सावरकर तक, राजगोपालचारी जी से लेकर कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेता, नेहरू गांधी परिवार के अलावा सब लोग विभाजन के खिलाफ थे। बट माउंट बैटन के साथ पंडित नेहरू ने मिलकर भारत को विभाजित किए और पाकिस्तान का सृष्टि हो गया। सो इन अ वे कांग्रेस पार्टी इज द फादर ऑफ पाकिस्तान एंड नेचुरली वी कैन अंडरस्टैंड द लव एंड रिस्पेक्ट द कांग्रेस पार्टी हैज फॉर अ नेशन दैट हैज इट्स एज इट्स स्टेटेड एजेंडा ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। सो द पीपल ऑफ इंडिया आर वॉचिंग द कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट्स, द कांग्रेस पार्टी इज पोस्चरिंग, द कांग्रेस पार्टी इज हिस्टोरिकल सपोर्ट टू पाकिस्तान बेस्ड टेरर एंड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक आई सेड, the 4th of June will mark the end of this love story between Congress party and Pakistan. पहले से आज तक से और अब सर जिस तरीके से आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कानपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सरोज सिंह ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एसीपी सीसामो श्वेता कुमारी ने उनका हाथ मोड़कर अभद्रता और दुर्व्यवहार किया है। दरअसल कानपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा है, इसी को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा का एक दल पिरोड बल खंडेश्वर चौराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। आरोप है इसी दौरान एसीपी श्वेता कुमारी ने उनको प्रदर्शन करने के लिए रोका और जब नहीं मानी तो श्वेता कुमारी ने सरोज सिंह से अभद्रता कर दी। वहीं मामला बढ़ता देख कई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही धरना देकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम लोग चुपचाप यहाँ पे खड़े थे, किसी इसके बिल्डिंग के नीचे चुपचाप शांतिपूर्वक 5-6 बहनें खड़ी थी, तब तक ये श्वेता कुमारी आई और इनके साथ में एक दो पुलिस प्रशासन, हम लोग चुपचाप अपना
नारी की शक्ति महिमा न्यारी है, चंड बुंड पे भारी, और बोल कुछ नहीं रहे थे, शांति मुंह बंद किए थे और चुपचाप अपना प्ले कार्ड लेकर खड़े थे। इन्होंने क्या किया कि आते ही आते से पहले तो मेरा हाथ पकड़ के झटका, पर मैंने कहा मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो, क्यों हाथ पकड़ रही हो, ये नहीं मानी। इनने दूसरा अंगूठा पकड़ा और पकड़ते हुए हमसे बोली कि मैं ले जाऊंगी और भी चार डंडे तुम्हारे वहाँ लगाएंगे। तो मैं क्या मांग करती हैं आप? श्वेता कुमारी माफी मांगे यहाँ के? अगर माफी नहीं मांगती आगे आप क्या करेंगे? चलते चलते बैठे सरोज सिंह, हमारी जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चे की, ये प्ले कार्ड लेके शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी। जैसा बताया गया कि एसीपी महोदया आई और इनका हाथ उमेट दिया और कहा चलो भाग जाओ यहाँ से। लोकतंत्र में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन अगर शांतपूर्ण ढंग से हो रहा है तो उस पर किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन किया जाए। श्वेता कुमारी जी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। महिला मोर्चा की मांग है कि श्वेता कुमारी जी यहाँ आए और अपनी गलती महसूस करें तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो कल मुख्यमंत्री के सामने इस मामले को प्रस्तुत किया जाएगा। अधिकारियों से भी बात करिए तो क्या? हमने साफ कहा है कि श्वेता कुमारी यहाँ आए और